खसी जी श्री सतपाल महाराज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से ये स्लोगन चेंज हो जाएगा गाइस, आज से होगा हेलो फैमिली वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया। सो आज से कोई पराया भी अपना हो जाता है, कोई दुश्मन भी दोस्त हो जाता है, तो आप तो मेरा फैमिली मेम्बर है। सो गाइस, अब से होगा हेलो फैमिली वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, एडवेंचर करने का मूड है, डांस करने का मूड है, तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आई होप आप सभी समझते हैं मेरा प्रॉब्लम। तो गाइस, फिर भी आप लोग मुझे लाइक कर रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। एक बात बोलूँ गाइस, जब आदमी बीमार होता है ना, तभी आदमी अपना लाज शर्म सब भूल जाता है, एकदम अपना इज्जत कोई भी चीज़ हो अपना भूल जाता है, क्योंकि उसको चाहिए प्यार और सपोर्ट, जैसे आप लोग मुझे कर रहे हो गाइस। सो गाइस, अभी कोई भी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, मगर जब आप बीमार होता है ना, तभी पता चलता है कितना आपको प्यार चाहिए, कितना अपनापन चाहिए, कितना सपोर्ट चाहिए। इसलिए किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए गाइस। हम लोग अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, हम लोग मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाएंगे गाइस एक दिन। इसलिए किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी, और कोई बीमार है तो कोई अकेला हो तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। और वो कल बहुत ही गेस्ट आए थे हमारे घर में, तो बहुत ही सारा प्यार लेके, सो सारा सपोर्ट लेके आए थे। सो थोड़ा सा मिठाई भी लेके आए, आपको सो दिखाऊंगा मैं। सो ये लेके आए मेरे लिए मिठाई, ये फ्रेश जूस, सो ऑल और फ्रूट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वन, एंड दिस ऑल द बिस्कुट, वन मलम बिस्कुट, दिस वन बिस्कुट, एंड दिस वन अम्बक गुआवा, एंड दिस वन हार्ट शेप बिस्कुट। हेलो फैमिली, सो अभी मैं आया हूँ किचन की तरफ। तो किचन में देखिए, इधर है आज क्या बनने जा रहा है, देखिए इधर, इधर है आलू फ्राई, और इधर है चाय का फूल, और इधर रोटी बनने जा रहा है गाइस। सो अभी इधर आया है मुझे देखने के लिए फूफू, फूफू। सो गाइस, हमारा अपना फूफू है, फूफू है, फूफू कत हेलो भनिदिनुहोस् न। हेलो हेलो, कति कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना, कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना, कस्तो हुनुहुन्छ? हेलो, म ठिकै छु, म त ठिकै छु। सो गाइस, फुफु एकदम अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, और फुफु एकदम ठीक है अभी। हेलो फैमिली, सो आज थोड़ा सा ठंड ठंड लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा धूप में बैठते हैं। तो बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। रुपया गुड मर्निंग, के छ नयाँ नौलो खबर? केही पनि छैन हो भाइ, सन्चै हुनुहुन्छ? अहिले त अलिक जाडो भएको छ है, अलिक जाडो, घरिघरि जाडो पनि हुन्छ, गर्मी पनि हुन्छ, त्यसपालि अब पुस पनि 5 गइसक्यो, जाडोको बन्दोबस्त छैन, अब यसपालि बाघमा पनि जाडै हुन्छ होला, ठन्डै हुन्छ होला है, किनभने अब यो मङ्सिर महिनामा, मङ्सिर र पुसमा अलिक जाडो हुनुपर्ने, पुरा जाडो त यही पुसभरि हो, पुसभरिको जाडो छैन अहिलेसम्म, अब दिउँसो भएपछि घर खलखल पसिना बनाउँछ, अनि त्यसले गर्दाखेरि माघमा पनि जाडै हुन्छ होला, पानी आएन, पानी नआएपछि अब के गर्ने, पानी आइदिएर अब उँभोतिर अलिक तुसारो हिउँ पऱ्यो भने चाहिँ दार्जिलिङतिर त्यतातिर अलिअलि हिउँ परेको मात्रै जाडोको सुरु हुन्छ। चलो गाइस, देखिए हमारा भाई लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इधर दिखाते आपको। उठ चुका है, कोई नहीं है बैठने, कोई नहीं इधर तरफ, ऊपर अकेला काम करते हुए। फुफा कोई कड़ा आरो स्कूल
अहिले के काम गर्नु भएको यस्तो मेहनतवाला काम के खायो कुखुरा कि यता चाहिँ ठुलो कुखुरा कि तल चाहिँ सानो कुखुरा माथि चाहिँ सानो माथि सानो मुनि ठुलो अरे कुकुरले लगेर चिज पाऱ्यो कुकुरले खाइदियो पुरा दही बनाउनु भएछ यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि होइन घरको काम बाहिर काम थुपा छ मान्छे त खतरा सो गाइस मेरा लन्च रेडी हो चुका है तो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है सो अभी मैं खा रहा हूँ खाने जा रहा हूँ और रोटी मैं लूँगा तीन ठो और मेरा सब्जी है आलू भाजा और चाय का फूल सो बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है गाइस चलो हो गया सो गाइस माय ब्रेकफास्ट इज रेडी सो गाइस लेट्स गो हेलो फैमिली सो अभी हम लोग बैठे धूप में थोड़ा काम सकती हुए सो इधर है हमारा फूफू ठंडी लग रही है ठंडी लग रही है इधर थोड़ा थोड़ा इसलिए घाम में धूप में बैठे धूप में बैठे थोड़ा ठंड लग रही है गाइस ठंडी लग रही है और मैं इधर हमारा मौसी जी पाका हुआ मौसी हो ना फूफूलाई बुआ बुआ हिंदी बड़ो हिन्दीमा बुवा भन्छ फुपूलाई फुपूलाई बुवा भन्छ अच्छा छ्यामालाई मौसी भन्छ मे बुवाको ए सफेदवाला बाल निकाल रह इधर सफेद हो गए त थोडा सा निकाल्न पडेगा ए के भनेको तिमीले उता ठिकै छ हेलो फैमिली सो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान में हेयर एंड शोल्डर और सरप लेने के लिए तो चलिए गाइस चलते हैं श्री सतपाल महाराज सद्भावन सम्मेलन 31 दिसंबर गाइस जरूर जाइए आप लोग देखिए इधर कैसे बड़ा छोटे दो हैं छोटे कैसे बड़ा हाँ छोटे दो सो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ अभी जा रहा हूँ घर में इसके बाद कपड़ा धोना पड़ेगा इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके खाना खा के फिर दवाई खाना पड़ेगा गाइस हेलो फैमिली तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे ही रहना सो गाइस आप लोग क्या कर रहे हो जरूर कमेंट कीजिए और आपका विंटर कैसा चल रहा है आपका विंटर शॉपिंग हुआ कि नहीं हुआ कमेंट कीजिए थोड़ा सा हम हेलो गाइस सो अभी मैंने थोड़ा सा रील्स बनाया है इंस्टाग्राम में सो गाइस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रॉबिन ग्रोइंग 17 आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा फॉलो कीजिए मैं आपको फॉलो बैक जरूर करूँगा गाइस तो देखिए इधर मैंने गुआवा अम्ब काट के रखा है अभी इसको थोड़ा सा नमक डाल के खाना पड़ेगा गाइस कल मेरे लिए लेके आए थे तो अभी थोड़ा सा नमक डालो उसके बाद खाओ गुआवा बहुत ही अच्छा लगता है गाइस स्पेशली हम बचपन में बहुत ही पेड़ में चढ़ के खाते थे गुआवा गुड इवनिंग फैमिली गाइस सो अभी गुड इवनिंग फूफो टी फॉर यू सो गाइस इधर है हमारा प्यारा सा फूफू मीन्स हियर फूफू भनेको बुआ इधर काम करते हुए इधर बनाते हुए साग को तोड़ते हुए इधर फूफू सो हमारे फूफू को देखिए कितना सुंदर है हमारे फूफू
सो गाइस, अभी इवनिंग हो गया, टाइम इन द 4:40 PM। वाओ, लुकिंग सो नाइस गाइस। सो अभी इधर देखिए, नज़ारा कुछ इस तरह है, हमारे इधर फूफो काम करते हुए, और हमारा गांव का नज़ारा कुछ इस तरह, ग्रीनरी एकदम ग्रीन गाइस। आई लव दिस प्लेस, वाओ, लुकिंग वेरी नाइस गाइस। सो फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप इसमें अच्छे ही रहना। तो भाई का ब्लॉग देखते रहना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग। हेलो गाइस, सो इधर है हमारा बड़ी माँ। हिंदी वाला क्यों बनता? सो इधर है हमारा मौसी जी भन्छ त हैन? ओ मौसी जी भन्छ त। मौसी जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इधर देखे कैमरे में, आपको इधर दिखा रहा हूँ मैं, अभी इसे बाद में टीवी में दिखाएंगे, इधर बड़ा वाला टीवी में दिखाएंगे आपको। नहीं दिखना है टीवी में, आएंगे अभी मेरे साथ। मेरे को नहीं देखना है टीवी में, आप दिखाएंगे हम लोग आपको टीवी में। नहीं देखना है मेरे को टीवी में। सो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सो अभी मेरा इधर है मौसी जी, सो आप सभी को दिखाना चाहता था मैं दिल से, इसलिए गाइस देखते रहिए। आटा गूंथ रहा हूँ रोटी बनाने के लिए मेरे लिए। सो गाइस, माय डिनर इज रेडी। सो दे डोको का साग, और इधर है मेरा रोटी, और इधर है चना का दाल गाइस, लौकी के साथ चना का दाल। सो गाइस, माय डिनर इज रेडी टू ईट। सो गाइस, रोटी, सब्जी, आलू का सब्जी। सो चलिए टेस्ट करते हैं आज का डिनर। सो सर, ये थोड़ा सा दाल। गाइस, नेपाली ऑथेंटिक थाली, इट्स रेडी नाइ। डोको का साग, दाल, रोटी। सो गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही, सोचते थे वीडियो एडिट करके डालना पड़ेगा यूट्यूब में। सो गाइस देखते रहे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय, सी यू टुमॉरो।